Very good morning, students. Let's start part 3 of chapter 5, fraction. Equivalent fraction. Equivalent means equal. Equivalent fractions are the fractions that have different numerator and denominator but are equal to the same value. Equivalent fractions ऐसी fractions होती हैं जिनमें numerator और denominator different हो सकते हैं but उनकी value जो है वो same ही होती है. For example, 2/4 and 3/6 दोनों जो हैं numerator denominator सभी different हैं. 2 जो है is different from 3, right? So here 4 is different from 6 but their values must be सेम. उनकी वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. हाउ दीज आर सिमिलर टू ईच अदर. नाउ कट दीज वैल्यूज. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो योर आंसर इज 1/2. एंड हियर इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन इन दैट केस ऑल्सो योर आंसर इज 1/2. सो इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या होती हैं, इक्वलेंट होती हैं, जिनको कटिंग करने पे या फिर उनको रिड्यूस करने पे आंसर जो है वो सिमिलर आ जाए, राइट. सो इक्वलेंट फ्रैक्शंस कौन सी हैं, हैविंग सेम वैल्यू. ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर टू फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन. अगर हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है. टू फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर. तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं सेम नंबर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड 4 फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू 3/5. हमने 4 फ्रैक्शंस फाइंड करनी है, 3/5 के ही वो इक्वलेंट होनी चाहिए. मीन्स उनका आंसर जो है वो सॉल्व होकर 3/5 ही आना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट वन इज हियर 3/5. सो मैंने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया. मीन्स ऊपर भी नंबर आया, नीचे भी नंबर आया, सेम नंबर होना चाहिए बट, राइट. सो 3/5 मल्टीप्लाई 2/2, ऊपर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दिया. सो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, सो हियर इज 6/10. अगर मैं इस नंबर को कट कर दूँ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, सो देन इन दैट केस योर आंसर मस्ट बी 3/5. तब भी आपका आंसर 3/5 ही आएगा. दैट मीन्स 6/10 इज इक्वलेंट टू 3/5, राइट. नेक्स्ट इज 3/5 मल्टीप्लाई 3/3, बिकॉज आपने 4 जो फ्रैक्शंस हैं वो फाइंड करनी थी, राइट. 4 फ्रैक्शंस फाइंड करनी थी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन, राइट. सो सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी होगी, मैंने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15. नेक्स्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20. और नेक्स्ट मैंने 5 के साथ किया, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25. इन स्पेस ऑफ 2 3 4 5 आप कोई भी नंबर ले सकते हो बट ऊपर और नीचे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए, राइट. सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड योर इक्वलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ चेकिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन. अगर आपने इक्वलेंट फ्रैक्शन को चेक करना है तो उसका मेथड क्या होता है. वी कैन चेक द इक्वलेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस बाय टू मेथड्स. तो हमारे पास इसके लिए टू मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज बाय क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज बाय रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म. उसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना, राइट. सो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कौन सा होता है. टू फ्रैक्शंस ए बाय बी एंड सी अपॉन डी आर इक्वलेंट. टू फ्रैक्शंस ए अपॉन बी और सी अपॉन डी एक दूसरे के इक्वलेंट कब होगी, क्या कंडीशन है उसकी. ए मल्टीप्लाई डी, जो आपका ए है वो डी से मल्टीप्लाई होना चाहिए. मीन्स ये क्रॉस होना चाहिए इस तरह से, ए मल्टीप्लाई डी एंड सी मल्टीप्लाई बी, सी जो है वो बी से मल्टीप्लाई होना चाहिए. और उनका आंसर अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे, देन दैट फ्रैक्शन इज इक्वलेंट फ्रैक्शन. देन वो फ्रैक्शन कौन सी होती है, इक्वलेंट फ्रैक्शन होती है, राइट. नेक्स्ट वन इज बाय रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म. अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ एचसीएफ ऑफ इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1. अगर कोई फ्रैक्शन जो है अगर हम उसको कटिंग कर दें और उसका जो एचसीएफ है वो हमारे पास 1 आ जाए, राइट. न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है उनका जो एचसीएफ है वो 1 आ जाता है, देन वो फ्रैक्शन जो है वो कौन सी होती है, इक्वलेंट होती है, राइट. एग्जाम्पल फॉर चेकिंग इक्वलेंट फ्रैक्शंस. तो अब हमने चेक करना है उसको इक्वलेंट फ्रैक्शन में कैसे चेक करेंगे. चेक इफ 2/3 एंड 8/12 आर इक्वलेंट बाय बोथ द मेथड्स. तो हमने बोथ मेथड्स के साथ उसको चेक करना है कि ये इक्वलेंट है कि नहीं है, राइट. सो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ये हमारे पास क्या है, ए अपॉन बी, दिस इज सी अपॉन डी. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट. सो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12 के साथ. 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 8 के साथ. सो 2 मल्टीप्लाई 12, दैट इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 12 24, 8 इंटू 3 24. सो बोथ वैल्यूज आपकी इक्वल आ गई, दैट मीन्स 2/3 एंड 8/12 आर इक्वलेंट. दैट मीन्स ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं,
राइट। नेक्स्ट वन इज लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म के लिए आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया 2/3 को लोएस्ट फॉर्म में भी अगर कन्वर्ट करना है तो आपने 8 और 12 दोनों कौन से टेबल पे जाते हैं, 4 के टेबल पे, राइट। सो कैसे पता चला, बिकॉज 8 और 12 का हमारे पास HCF क्या होता है, 4 होता है, तो इसलिए हमने उसको 4 के साथ डिवाइड कर दिया, राइट। 8 डिवाइड बाई 4 एंड 12 ऑल्सो डिवाइड बाई 4, सो ऑन डिवाइडिंग 8 बाई 4 आई गेट 2/3। सो मेरे पास 2/3 जो है वो उनको डिवाइड करने पे आ रहा है। सो 2/3 एंड 8/12 मीन्स 8/12 को जब मैंने सॉल्व किया वो भी 2/3 ही आया इसकी तरह। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और कैसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कट करके 8 और 12 को कट कर दो, 4 2 8, 4 3 12, देन ऑल्सो योर आंसर इज 2/3। दैट मीन्स 2/3 एंड 8/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।